हेलो बच्चों। तो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आज दो क्वेश्चंस और हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो एक क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इस सवाल का डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ लाइट हाउस 75 मीटर हाइट। यानी बच्चों एक लाइट हाउस है, इस तरीके से मान लेते हैं लाइट हाउस हम कहते हैं ए बी, ठीक है? इसकी हाइट कितनी है? 75 मीटर, ये सवाल में दे रखा है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ लाइट हाउस 75 मीटर हाइट। एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 75 मीटर है और इस लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्व किया जा रहा है किस चीज का? The angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. तो angle of depression है ये, यहां से जब आप देख रहे हैं तो ये एक ship, suppose करिए इस तरीके से ये river है आपका, ठीक है? और ये दूसरा ship, तो ये पहला ship suppose करिए C point पर है, दूसरा D point पर है, तो एक ship का angle of depression 45 degree। देखिए एक्चुअली में एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग यहां से मेजर करेंगे, जहां से देख रहे हैं वहां से एक हॉरिजॉन्टल बनाइए, इस हॉरिजॉन्टल से ये एंगल 45 डिग्री होगा, समझ रहे हैं? ये एंगल 45 डिग्री होगा। लेकिन अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल और ये ट्रांसवर्सल, दोनों पैरेलल होंगे, ट्रांसवर्सल, तो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 होना चाहिए। उसी तरीके से दूसरे वाले शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो कि बराबर होता है उससे ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? मान ले कि जो इस लाइट हाउस का जो बॉटम है इससे पहले शिप की दूरी है एक्स, ठीक है? और पहले शिप और दूसरे शिप के बीच की जो दूरी है वो वाई, बात समझ आ रही है? ये डिस्टेंस आपका एक्स है और ये डिस्टेंस आपका वाई। क्वेश्चन फिर से समझते हैं जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ लाइट हाउस 75 मीटर हाई। एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर हाई है, इसके टॉप से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो नजदीक वाले शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा होगा 45 डिग्री, दूर वाले कम 30 डिग्री, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही एंगल्स 45 और 30 डिग्री आ गए। कह रहा है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अगर एक शिप दूसरे शिप के ठीक पीछे है, तो कह रहा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो दोनों शिप के बीच की दूरी है यानी वाई, वो आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों आपको? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, आपको एक्स नहीं फाइंड करना है। लेकिन जिस तरीके का सवाल है उसमें पहले आपको एक्स पता होगा तभी आप वाई निकाल सकते हैं, ठीक है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले कौन सा ट्रायंगल लें? पहले ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। ऑलराइट, सो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, जरा ध्यान से देखिए ट्रायंगल ए बी सी में क्या है बच्चों। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी इसमें 45 डिग्री एंगल दिया है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस में हमारा यूज होता है टैन थीटा, तो टैन और थीटा यहां 45 डिग्री है, ये आपका है इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी 75 अपॉन बेस यानी कि एक्स, ठीक है? इससे बेटर होगा अगर आप पहले नेमिंग कर दें इसका, परपेंडिकुलर हमारा है ए बी और बेस हमारा है बी सी, तो ए बी की जगह लिख लीजिए 75, बेस की जगह लिख लीजिए एक्स, और टैन 45 क्या होता है बच्चों? टैन 45 1 के बराबर होता है, इसलिए इसे 1 के बराबर लिख देंगे। यहां से सॉल्व करने पर जो x है वो आपका 75 मीटर के बराबर आ रहा है, ठीक है? चलिए x हमें मिल गया। अब हम लोग लेते हैं ट्रायंगल ABD, ठीक है? जो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABD इसमें भी देखिए 30 डिग्री एंगल है, इसका अपोजिट 75 डिग्री है, परपेंडिकुलर हो गया, और साथ वाला बेस कितना है? y प्लस एक्स, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टैन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी,
राइट बच्चों, ए बी हमारा है 75 मीटर के बराबर और जो बी डी है वो हमारा x प्लस वाई के बराबर, कितना है x प्लस वाई के बराबर। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 होता है sin 30 अपॉन cos 30, ये 1 बाई रूट 3 के बराबर होता है। राइट बच्चों, तो अब अगर मैं x प्लस वाई को इधर ले जाऊं, रूट 3 को इधर ले जाऊं, तो मेरा आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू रूट 3 को इधर ले जाइए 75 रूट 3, राइट। और x देखिए हमारा ऑलरेडी 75 के बराबर है, तो मैं यहां पर x की जगह 75 पुट कर दे रहा हूं, 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 75 रूट 3, सो y इज इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस 75, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 75 आप ले लीजिए कॉमन, ये है रूट 3 माइनस 1, दिस मच मीटर, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, जो कि आपका आंसर हो गया, यही आपने फाइंड करना था। ठीक है, सवाल समझ गए, इसका सॉल्यूशन कैसे आया है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक सवाल और देखते हैं। चलिए बच्चों, ये आज का आखिरी सवाल हम देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एन एरोप्लेन एट ऑल्टीट्यूड 200 मीटर, तो एक एरोप्लेन है, सपोज करें जैसे कि पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं, एन एरोप्लेन ऑफ एट ऑल्टीट्यूड 200 मीटर ऑब्जर्व्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑन द टू बैंक ऑफ रिवर टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी कि ये देखिए रिवर है, ठीक है बच्चों, ये रिवर है, मान लेते हैं इसका एक बैंक जो है लेफ्ट वाला जो किनारा है, लेफ्ट वाला बैंक ये ए है और जो राइट वाला बैंक है वो आपका बी है, मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इस रिवर के ऊपर एक एरोप्लेन है 200 मीटर की हाइट पे, ये इस तरीके से मान लीजिए ये पॉइंट है सी, नहीं इसको कहते हैं डी, और ये जो पॉइंट है आपका है सी, यहां पर एरोप्लेन आपका प्रेजेंट है 200 मीटर की हाइट पे, कितने हाइट पे बच्चों, 200 मीटर की हाइट पे, कह रहा है एन एरोप्लेन एट ऑल्टीट्यूड 200 मीटर, तो रिवर से 200 मीटर ऊपर ऑल्टीट्यूड पर एक प्लेन है, कह रहा है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑन टू बैंक, ये जो दोनों बैंक है इस प्लेन के, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से जब दिख रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है कुछ, ठीक है बच्चों, और वैसे ही यहां से जब इसको ऑब्जर्व करो तो यहां पर कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। देखिए रिवर जो है वो हॉरिजॉन्टल है, यहां पर भी हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, ये ट्रांसवर्सल ये 45, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 45 डिग्री, ये 60 है, ये ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 60 डिग्री, ठीक है। अब आपसे कह रहा है मान लीजिए ए से लेकर डी तक की दूरी है x और डी से बी तक की जो दूरी है वो है मान लीजिए y, ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि फाइंड विड्थ ऑफ रिवर, सो व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर, रिवर की विड्थ क्या है ए बी, और ये कितना होगा x प्लस वाई के बराबर होना चाहिए बच्चों, तो यही आपको फाइंड करना है, ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड x प्लस वाई, तो x और y अगर हम लोग दोनों फाइंड कर लेते हैं तो x प्लस वाई भी फाइंड कर लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, पहले हम लोग ट्रायंगल लेते हैं ए सी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी ट्रायंगल में अगर हम देखें तो भाई हमारे पास एक तो ये एंगल 45 डिग्री है, इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर है, साथ वाला बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस यानी कि टैन 45 डिग्री, ये क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर यानी सी डी अपॉन बेस यानी कि ए डी,
CD हमारा है 200 और AD हमारा x के बराबर है, राइट। और ये tan 45 होता है 1 के बराबर। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो x हमारा कितना आ जाएगा, 200 मीटर के बराबर। कितना आ गया बच्चों हमारा x, 200 मीटर के बराबर। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं दूसरा ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD में एंगल आपका 60 डिग्री रखा है। BCD इस ट्रायंगल में 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो फिर से वही सेम टैन 60 डिग्री यूज करेंगे हम लोग। टैन 60 डिग्री हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी CD अपॉन बेस यानी कि BD। CD हमारा है 200 के बराबर और BD हमारा है y के बराबर, ठीक है। और tan 60 जो कि sin 60 अपॉन cos 60 के बराबर होता है, ये आपका √3 के बराबर हो जाएगा, राइट बच्चों। तो 200 अपॉन y इज इक्वल टू √3, y को इधर भेज दीजिए तो y √3 हो जाएगा आपका 200 के बराबर। और यहां से y कितना हो जाएगा, 200 अपॉन √3। इसको ऊपर नीचे √3 √3 से मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज अगर कर लें तो y कितना हो जाएगा, 200 अपॉन 3 √3 मीटर, राइट बच्चों। अब अगर आप विड्थ ऑफ रिवर फाइंड करना चाहते हैं तो विड्थ ऑफ रिवर तो आपका x प्लस वाई है। विड्थ ऑफ रिवर कितना है, x प्लस वाई। x की जगह आप लिखेंगे 200 और y की जगह आप लिखेंगे 200 अपॉन 3 √3, ठीक है, अपॉन 3 √3। या फिर आप चाहें तो इस स्टेप को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। ये 200 अपॉन √3 मीटर आया है, डायरेक्टली इसको यही यूज करते हैं, 200 अपॉन √3 मीटर। यहां से अगर आप 200 कॉमन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 + 1 अपॉन √3, जो कि आपका आ जाएगा 200 अपॉन √3 और ये हो जाएगा √3 + 1 मीटर। इतना आपका आ गया बच्चों आंसर, x प्लस वाई, ठीक है। चलिए, तो ये लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। अच्छे से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा बेटर तरीके से आपका ये जो चैप्टर है खत्म होगा। आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, इससे आपके मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए, किसी भी हाल में नहीं जाने चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 50 ही क्वेश्चन अगर आप टोटल मिलाकर प्रैक्टिस कर लेते हैं पहली बार में, और फिर जब रिविजन करेंगे तो करेंगे ही, तो आपकी काफी अच्छी पकड़ बन जाएगी इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको नोट कर लीजिए और पढ़िएगा जरूर, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिएगा। बाय।